उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने से पहले धामी सरकार राज्य में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम कर रही है, जिससे महिलाएं स्वरोजगार और रोजगार के लिहाज से आत्मनिर्भर बन सकें। वहीं संबंध में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा महिलाओं का सम्मान करके उनको सशक्त करने और संरक्षण देने का काम किया है। उन्होंने बताया कि राज्य के मुख्यमंत्री सीएम धामी लगातार महिलाएं और बहनों को विकास से जोड़ने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और वो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि महिलाएं स्वावलंबी बने, उनको आर्थिक संसाधन मिले। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा महिलाओं का, नारियों का, बहनों का, माताओं का हमेशा सम्मान किया है और उनको सशक्तिकरण करने का काम किया है, उनको संरक्षण देने का काम किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और अपने राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के तहत नारियों को सम्मान देने का काम कर रहे हैं, उनको सशक्तिकरण, उनका संरक्षण करने का काम कर रहे हैं। प्रदेश में विभिन्न योजनाएं नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के तहत चलाई जा रही हैं, उनको अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए, उन्हें सशक्तिकरण करने के लिए, सरकारी नौकरियों में उनको जो रिजर्वेशन दिया है 30% क्षेत्रीय आरक्षण देने का काम किया है, एनजीओ के माध्यम से, स्वयंसेविक संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है, मजबूत किया जा रहा है, उनका वंदन किया जा रहा है।